मैं पिछले 12 सालों से वीव कर रहा हूँ, और स्पेशली मैं हमारी फैमिली की बात करूँ तो हम कारपेट वीविंग ही करते हैं, क्योंकि मेरे दादाजी जो थे वो भी कारपेट वीविंग करते थे, और उसके बाद मेरे पापा ने सीखा तो उन्होंने ये भी कारपेट वीविंग किया, और मैंने और मेरा छोटा भाई है तो हम दोनों ने भी वही सीखा कारपेट वीविंग, तो हम ये कारपेट वीविंग में ही जुड़े हैं। उस वक्त मेरे पापा जो थे वो जॉब वर्क करते थे किसी मास्टर वीवर के लिए, तो उससे हमारी जो फैमिली इनकम थी वो बहुत ही कम आ रही थी, तो उस वक्त मेरा वही सोचना था कि इसमें कुछ नहीं है, बेटर फ्यूचर नहीं है हमारा, तो शायद कंपनी में काम करेंगे तो कुछ अच्छी आमदनी मिलेगी और कुछ हमारा फ्यूचर कुछ अच्छा होगा, तो उस वक्त तो वही था मेरा सोचना। लेकिन जब जैसे मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं 10वीं क्लास में था, तो तब मुझे वो जो वेकेशन वगैरह या छुट्टियाँ मिलती हैं, या फिर मैं पार्ट टाइम में घर पे आके ये लूम पे पापा के साथ काम वो डिज़ाइन वगैरह कुछ करवाता था, या जब भी लूम फ्री रहती थी तो मैं उसमें बैठ जाता था और वीविंग में ट्राई कर रहा था, तो वो करते करते मुझे इसमें इंटरेस्ट हुआ वीविंग में, और मुझे इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ने लगा और मज़ा आ गया, तो फिर मैंने ये स्टार्ट कर वीविंग मैंने वो पूरी तरह से सीखना स्टार्ट कर दिया। और एक वक्त ऐसा आया था कि पापा थोड़े दिनों के लिए बाहर गए थे, वो शायद ग्वालियर गए हुए थे, तो उस वक्त पापा के लूम पे वो वॉर्प वगैरह सब कुछ सेटअप था, और वेफ्ट भी हमारे पास था, वो जैसे मेरे पापा जॉब उनका ही था, तो फिर मैंने वो वीविंग स्टार्ट कर दिया, और उसी दिन से मीन्स कि वो अच्छी एकदम जो कारपेट की जो क्वालिटी चाहिए वो अच्छी आने लगी, और मेरा हाथ एकदम अच्छी तरह बैठ गया, तो फिर उसी तरह से धीरे धीरे मेरा माइंड इस काम में डाइवर्ट होने लगा, और फिर मैंने ये स्टार्ट कर दिया वीविंग। जैसे जनरली मैं बात करूँ तो मेरे पापा जब वीव करते थे तो उस वक्त उन्होंने तकरीबन 21-22 सालों तक कंटिन्यूस एक ही डिज़ाइन वीव किया था, फिर मैं उनके साथ ज्वाइन हुआ तो हमने ये कुछ डिज़ाइन के साथ ये खमीर के साथ जुड़े और कुछ डिज़ाइन में एक्सपेरिमेंट्स किए। हमने एक थीम के ऊपर काम किया था, जो थीम था हमारा मड वर्क जो था, जैसे हमारे कच्छ में जो अर्थक्वेक आया 2001 में, उससे पहले हमारे जो मकान वगैरह थे उसमें मड वर्क किया हुआ होता था, तो उस मड वर्क में एक डिज़ाइन होता था, उसमें पनियारी का एक सिंबल होता था जो सर के ऊपर वो पानी भर के जा रही होती थी, तो वो मड वर्क में बना हुआ करता था, लेकिन हमने उसी डिज़ाइन को वीव में कन्वर्ट किया है। तो खूब कुछ अच्छे अच्छे सैंपल्स बने, और खमीर ने वो परचेस किए और हमारे लिए वो मार्केटिंग के लिए सपोर्ट किया, तो इसी वजह से फिर हमने खुद अपना काम स्टार्ट किया, तो उसी वजह से जो प्रॉब्लम्स फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे वो धीरे धीरे सॉल्व होना शुरू हो गए, तो फिर उसी तरह से मैं इसमें पूरी तरह वो वीविंग में डाइवर्ट हो गए। दो हज़ार आठ में यहाँ पे एक डिज़ाइन स्कूल है जो एक कला रक्षा करके एनजीओ है, वो उस समय चलाता था डिज़ाइन स्कूल, तो मैंने वहाँ पे एक साल का वो डिज़ाइनिंग का कोर्स किया है, तो वहाँ से भी बहुत सारे आइडियाज़ मिले कि कैसे इस हमारे काम को है जो आगे ले जाना है, या इसमें क्या क्या कुछ नया इनोवेशंस करना है, जैसे वो डिज़ाइन के कुछ हमारे ही ट्रेडिशनल डिज़ाइंस में से कुछ नए इनोवेशन करने हैं, तो वहाँ पे भी पूरा आइडियाज़ मिला, तो वो सब ने मुझे हेल्प किया आगे हमारे काम को आगे बढ़ाया। अभी मैंने एक प्रोजेक्ट किया था कोड डिज़ाइन का, तो उसमें मैंने एक पीस ऐसे बनाया था कि उसमें मैंने और जैसे वो कोड डिज़ाइन मैंने किया था मैक्सिको वहाँ का के आर्टिज़न के साथ, तो हमने जो थीम डिसाइड किया था कि कल्चर ऑफ कच्छ एंड मैक्सिको, तो उसमें मैंने एक मेरा एक पीस बनाया था, उस पीस में मैंने ऐसे दिखाया था कि एक जो आधा पीस था उसमें मैंने कच्छ को रिप्रेजेंट किया था और आधे पीस में मैंने मैक्सिको को रिप्रेजेंट किया था, तो उसमें आधे पीस में मैंने हमारा जैसे हमने डांस चूज़ किया था, तो हमारे यहाँ पे शादी वगैरह में या नवरात्रि में डांस होता है, तो वो क्या होता है कि वो सर्कुलर शेप में डांस होता है, तो हमारे यहाँ पे एक ट्रेडिशनल मोटिव है चौमुख उसको बोलते हैं, तो जनरली चौमुख ऐसे कहा जाता है कि वो चौमुख मीन्स कि फोर माउथ,
उसके चार मुंह होते हैं, उसी के ऊपर से उसका नाम चौमुख पड़ा है। और आधे पीस में मैंने मेक्सिको को दर्शाया था। तो मेक्सिको में क्या है कि वहाँ पे वहाँ का जो सिटी है उस सिटी में लोग डांस करते हैं, उस डांस को वो फेदर डांस बोलते हैं। तो वो जनरली वो स्ट्रीट्स में डांस करते हैं। तो मैंने ऐसे ही दिखाया था कि लोग ऐसे ऐसे जाते हैं ऊपर स्ट्रीट में जाते हैं और उनके सर के ऊपर उन्होंने वो फेदर बांधा हुआ है और वो डांस करते करते जाते हैं। तो वही मैंने चौमुख से कुछ नया कन्वर्ट करके वो ऐसे आदमी जैसा या वहाँ के लोगों जैसा सिंबल बनाया था। तो वो पूरा पीस में बनाया। मैं कहूँ तो विविंग है तो हम हैं, और हम हैं तो विविंग है।